हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, आधे घंटे पहले, क्योंकि कल मुझे थोड़ा लेट हो गया था सोने में। वैसे तो मैं हमेशा ही लेट हो जाती हूँ, लेट डिनर बनाती हूँ तो इस वजह से, पर कल कुछ ज़्यादा ही मैं थक गई थी। इस संडे को सप्ताह में एक बार मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ घर की, क्योंकि रोज़ रोज़ अच्छे से डस्टिंग करना, एक एक चीज़ को पोछना ये पॉसिबल नहीं है, तो संडे के दिन कर लेती हूँ। वीक में एक बार डीप क्लीनिंग करनी ही चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाती है हर एक चीज़ पर नहीं कर पाई तो कल की हूँ। तो इस कमरे की और स्टोर रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग की, उसके बाद जितना भी सोफ़ा का कवर था, कुशन है और कर्टन वगैरह थे तो सारे धोई हूँ, और भी बहुत सारे कपड़े थे। तो शाम हो गई कपड़े धोते धोते, तो शाम में जो भी कपड़ा, कुछ कपड़े फोल्ड करके रखी थी, कुछ अनु के थे तो वो सब तो रख दी, पर कर्टन, सोफ़ा का कवर, ये सारी चीज़ें ऐसे ही ला के रख दी जो अगली मॉर्निंग इसको सेट करूँगी। और अभी कर्टन वगैरह लगाना है क्योंकि झाड़ू पोछा करनी है, तो पहले ये सब सेट कर लूँ उसके बाद ही झाड़ू पोछा करूँगी। और अभी नाश्ता नहीं बनाई हूँ, सिर्फ चाय पी हूँ। नाश्ता पहले इसको ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि 9 बजे अनु को कोचिंग भी जाना है, और 9 बजे जाता है तो फिर कभी कभी 12 बज जाते हैं उसको आते हुए। कुछ और कर्टन है अनु के कमरे की है, वो धोना रह गया है। कल बहुत टाइम हो गया था कपड़े धोते धोते, और आज वीरवार था तो आज के दिन मैं कपड़े कोशिश करती हूँ कि ना धोऊँ, तो इसलिए रात में ही सारा धो ली थी, और जो रह गया उसको मैं अब कल धोऊँगी, फिर सारा घर एकदम हो जाएगा अच्छे से साफ। पता नहीं कैसे धूल मिट्टी हो ही जाती है, हर रोज़ क्लीनिंग करें जितने भी अच्छे से कर लें, पर गर्मी के टाइम में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, और बीच बीच में हवा भी चलती है, आंधी तूफान आती रहती है, तो इस वजह से भी शायद डस्ट ज़्यादा होते हैं। तो स्टोर रूम और इस कमरे की क्लीनिंग तो अच्छे से कर ली हूँ, अब कल या परसों मैं करूँगी अनु के कमरे की। तो कवर चढ़ा दो सोफ़े के, और ये जो सोफ़े का जो है कुशन, ये तो फोम वाली है, इतना हार्ड है कि जब भी सेट करते हैं ना किसी का जिप टूट ही जाती है, 2 के जिप निकल गए हैं। तो अभी तो मैं ऐसे ही सेट कर देती हूँ, फिर जाऊँगी किसी दिन टेलर के यहाँ तो फिर बनवानी पड़ेगी इसकी। देख सकते हैं मैं सारे सोफे का कवर अब चढ़ा दी हूँ, ये कमरा ओके हो गया है, बस अब झाड़ू पोछा करना है। जाती हूँ पोछा कर लेती हूँ, और कल से मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, क्योंकि जब डस्टिंग करते हैं तो ज़्यादातर ना ऐसे
ऊपर रहता है चेहरा, तो उसी पे डस्ट हल्का फुल्का गिरी जाती है। जब सर्दी का टाइम रहता है तो हम फेस कवर कर लेते हैं, लेकिन गर्मी में ढका नहीं जाता चेहरा, तो और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सांस बंद हो जाएगी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी। जब डस्टिंग करती हूँ तो कई दिनों तक ये प्रॉब्लम रहती है। बस अब मंदिर रह गया है तो मंदिर भी मैं किसी दिन टाइम निकाल के, वैसे साफ़ ही है लेकिन किसी दिन अच्छे से क्लीन करूँगी। और ये है स्टोर रूम, तो स्टोर रूम तो एकदम बढ़िया से साफ़ कर दी हूँ। इतना सारा इसमें जो भी पुरानी जो चीज़ें होती है ना वो सब थे, कबाड़ था। और जूते चप्पल तो मैं कब का ही, जब मैं मंगाई थी शू रैक तो उसी समय निकाल दी थी यहाँ से, ज़्यादातर यही रखते थे सारे के सारे। लेकिन जो पुराने सामान थे वो भी कल निकाल के एकदम स्टोर रूम साफ़ कर दी हूँ। और इधर अनु के कपड़े और इनके कपड़े टंगे रहते हैं जो रोज़ यूज़ करते हैं वो वाले, बाकी तो फिर मैं कबट में ही रखती हूँ। तो ये भी बहुत बढ़िया से साफ़ हो गया है। तो सारे कर्टन लगा दी हूँ और बस अब पोछा रह गया है लगाना। तो पहले मैं नाश्ता बना लूँ। भुजिया चढ़ा के आई हूँ, आज पराठे भुजिया बना रही हूँ नाश्ते में, तो भुजिया चढ़ा के आई हूँ। बस अब आटा लगाना है तो वो मैं कर लेती हूँ। और ये सूरेक में अन्नू बस जैसे तैसे निकालता है, कहीं भी रख देता है, तो मैं इसको ठीक से रखी हूँ। और कल कुछ धोई भी थी सूत, अभी वो नहीं सूखा है, शाम तक सूख जाएगी तो फिर उसको मैं रख दूँ। और इधर भुजिया बन गई है, अब बनाने हैं पराठे। आटे भी लगा ली हूँ और आज बनाई हूँ सारी सब्जियों को मिक्स करके। थोड़ी थोड़ी सब्जी बची हुई थी, 3-4 भिंडी थे, 2 परवल थी, कुछ कुनरी था, तो वही सब मिक्स करके बनाई हूँ क्योंकि सब्जी नहीं था घर में। 3-4 दिन हो गए हैं इनको गाँव गए हुए और बच्चे बगैर गाड़ी के जाना नहीं चाहते, अभी गाड़ी चलाना नहीं है इसको, तो नहीं गया है सब्जी लेने के लिए, तो जो था वही बना दी। अब इसको पैसे लगे हुए हैं, फेंक भी नहीं सकते, तो मैं कहीं मिक्स करके ही बना देती हूँ। घर चलाना आज की महंगाई के समय में बहुत मुश्किल है, इसी तरह से एडजस्टमेंट करना पड़ता है और इसी तरह से 4 पैसे बचाने पड़ते हैं तब जाके तो घर चलता है। तो किचन तो क्लीन ही है, बस सुबह अनु लस्सी पिया है और चाय बनाई हूँ, बस उसी के बर्तन हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। ऐसे देह पर बैठ के चलो शना उठ जाओ, कितना सोएगा। अभी शाम का टाइम है तो थोड़ी सी भूख लगी थी हम दोनों को, तो मैगी बनाई हूँ और सादा मैगी बनाई हूँ, कोई टमाटर प्याज कुछ भी नहीं, सिर्फ मैगी का जो मसाला होता है वो। और इधर चाय चढ़ाती हूँ और अभी अनु को बोली तो कुछ सब्जी भी लेके आया है, तो कद्दू है और भिंडी और टमाटर यही लेके आया है। तो चाय पी लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी वॉक करने और टाइगर को भी लेके जाना है। कई दिन से उसको नहीं लेके जा रही हूँ, जब से ये गए हैं फिर नहीं लेके गई इसको घुमाने के लिए, क्योंकि बहुत तंग करता है। वॉक कराने के लिए और आ गई हूँ वॉक करा के, 2 दिन से नहीं लेके जा रही थी, ये चले गए गाँव, तो उसके बाद थोड़ा सा डर लग रहा था कि अनु अभी ये मस्ती भी बहुत करता है ना, और अनु एक हाथ पे अभी इसको मतलब कुछ नहीं ऐसा हो, तो इसलिए अनु को मैं नहीं बोल रही थी ले जाने, लेकिन आज ये इतना जिद करने लगा कि फिर ले जाना पड़ा। तो ये अभी आया है घूम के, पैर वगैरह धुलवा दी हूँ और अब जाऊँगी डिनर बनाने के लिए। तो मैं कहीं अपनी वीडियो की एंडिंग कर दूँ यहीं पे, तो अपनी वीडियो की यहीं एंडिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।